प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात से एक और 110वें एपिसोड में नारी शक्ति के योगदान को नमन किया। पीएम ने कहा कि महाकवि भारतीयार जी ने कहा है कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को सम्मान अवसर मिलेगा। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। उन्होंने आज के एपिसोड में ड्रोन दीदी से बात की। पीएम ने कहा कि कुछ साल पहले तक किसान सोचे थे कि हमारे देश में गाँव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गांव-गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है, हर किसी के जुबान पर नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इनके विषय में चर्चा कर रहा है। वहीं पीएम मोदी ने यह भी सूचित किया कि अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। उनका कहना है कि राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। पीएम ने कहा कि मन की बात रुक रहा है, देश की उपलब्धियां नहीं रुक रही। सारे सुझाव, इनपुट्स और कमेंट्स मिले हैं और हमेशा की तरह इस बार भी ये चुनौती है कि एपिसोड में किन किन विषयों को शामिल किया जाए। मुझे पॉजिटिविटी से भरे एक से बढ़कर एक इनपुट्स मिले हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे देशवासियों का जिक्र है जो दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उनके जीवन में बेहतरी लाने में जुटे हुए हैं। साथियों, कुछ ही दिन बाद 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे। ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर होता है। महाकवि भरतियार जी ने कहा है कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गांव-गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है, हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इसके विषय में चर्चा कर रहा है।